जो लोग एसयूवी का शौक रखते हैं, एसयूवी खरीदना चाहते हैं और वो बजट के कारण एसयूवी गाड़ी नहीं खरीद सकते, एक्सयूवी 300 के बराबर बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। वही पुराना वाला स्टाइल यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है हैलोजन में। चाबी कर लेते हैं ऑफ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका अपने चैनल डी कॉस इन्फो पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मिस्टर डी एस बेस। तो आज जिस गाड़ी के बारे में हम बात करने वाले हैं भैया, ये है माइक्रो एसयूवी, यानी एंट्री लेवल एसयूवी की अगर आप बात करेंगे तो यहां पे आप सबसे पहले एस्प्रेसो को ही देखेंगे, क्योंकि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है काफी अच्छा खासा मिल जाता है हैचबैक के मुकाबले, और आपको स्पेस भी इस गाड़ी में आपको अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो आज डिटेल से बात करेंगे भाई इस गाड़ी के बारे में, तो वीडियो को पूरा एंड तक का जरूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ जो चैनल में आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के पास फ्रंट से। तो भाई सबसे पहले बात करेंगे फ्रंट में इसके चौड़ाई की, कितनी चौड़ी है। यहाँ पे आपको गाड़ी की जो ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिलती है वो आपको 1520 mm की ओवरऑल विड्थ देखने के लिए मिल जाती है। सेंटर में चमचमाता हुआ सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। ब्लैक कलर में आपको इसकी ग्रिल देखने के लिए मिल जाती है जो आपको यहाँ पे पूरी कवर्ड मिलती है। नीचे देखेंगे बंपर सेक्शन में तो यहाँ पे आपको ग्रिल पोर्शन थोड़ा सा ओपन भी देखने के लिए मिल जाता है। जो बम्पर पोर्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है हल्का सा रफ ब्लैक में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फॉग लैंप की प्लेसिंग आपको इस गाड़ी में देखने के लिए नहीं मिलती है, इसमें आपको सिंगल बीम में हेडलैम्प्स देखने के लिए मिल जाते हैं, और यहाँ पे आपको हैलोजन में ही इंडिकेटर देखने के लिए मिलते हैं गाड़ी में। ऊपर हुड सेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉशर टिप देखने के लिए मिल जाती है वाइपर्स की, और ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे आपको पोल एंटीना भी देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट में ही गाड़ी के। और जिस गाड़ी की हम बात कर रहे हैं भाई, ये गाड़ी हमारे सामने जो है ये एस्प्रेसो गाड़ी है, ये इसका सेकंड टॉप वर्जन है, यानी VXI वेरिएंट हमारे सामने खड़ा इस गाड़ी का। अगर एक्सशोरूम वैल्यू की बात करेंगे इस गाड़ी की तो यहाँ पे आपको 5,22,000 रुपए का एक्सशोरूम देखने के लिए मिल जाती है। ऑन रोड आते आते ये गाड़ी आपको 6,10,000 रुपए के आसपास ऑन रोड पड़ती है। भाई साइड से खड़े हैं तो डायमेंशंस की बात होगी, तो भाई इसकी जो ओवरऑल लेंथ है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है वो आपको 3565 mm की ओवरऑल लेंथ देखने के लिए मिल जाती है। साइड से खड़े हैं तो भाई बात करेंगे इसके टायर्स की, भाई यहाँ पे आपको स्टील व्हील रिम देखने के लिए मिल जाते हैं, MRF के टायर देखने के लिए मिलते हैं, फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक आपको गाड़ी में देखने के लिए मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपको जो टायर प्रोफाइल मिलता है वो आपको 16570R14 का टायर प्रोफाइल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो फेंडर में ही आपको वही पुराना वाला स्टाइल यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है हैलोजन में, और ये देखिए पुरानी ऑरेंज कलर की कैप भी साइड में देखने के लिए मिलती है। जो ORVMs यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं वो आपको यहाँ पे रफ ब्लैक में ORVMs देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के, और ये आपको मैनुअली फोल्डेबल देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल नहीं मिलते हैं इस गाड़ी में। A+ इसके गाड़ी के बॉडी कलर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पे B+ जो आते हैं गाड़ी के वो भी आपको बॉडी कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, बट हाँ यहाँ पे जो इसके डोर हैंडल्स आते हैं ये बॉडी कलर्स नहीं आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको की होल मिल जाता है गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए। ये गाड़ी आपको सेंटर लॉकिंग में भी देखने के लिए मिलती है भैया, क्योंकि इसमें आपको एक रिमोट की मिल जाती है, एक आपको मैनुअल की यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। भाई अगर ओवरऑल हाइट ही बात करेंगे इस गाड़ी की तो यहाँ पे आपको इस गाड़ी की जो ओवरऑल हाइट देखने के लिए मिलती है वो आपको 1567 mm की ओवरऑल हाइट यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। और भाई व्हील बेस की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको गाड़ी का जो व्हील बेस देखने के लिए मिलता है वो 2380 mm का व्हील बेस यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अब इंडियन सड़कों में भाई ग्राउंड क्लियरेंस की बात क्यों ना हो तो यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाता है 180 mm का भाई, जो एक माइक्रो एसयूवी में होना चाहिए। ये अच्छी खासी एसयूवीज में भी ये ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलता है। ओवरऑल डायमेंशंस तो हुआ कवर, चलते पीछे की तरफ। भाई पीछे से कैसा लुक गाड़ी का देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पे आप पीछे से गाड़ी का लुक देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। ऊंची ऊंची पीछे से आपको देखने के लिए मिलती है, देखिए डिपार्चर एंगल भी आपको कितना ऊंचा ऊंचा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, ये देखिए काफी अच्छी खासी हाइट में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। फिर बात करेंगे इसके भाई सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जा रहा है, उसी के नीचे यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको की होल मिल जा रहा है बूट को ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको एस्प्रेसो की बैजिंग देखने के लिए मिल जाती है क्रोम में, और यहाँ पे आपको गाड़ी में देखेंगे तो हाई माउंट स्टॉप लाइट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन इसमें आपको कोई भी डिफॉगर्स देखने के लिए नहीं मिलते हैं। नीचे बंपर वाले सेक्शन में चलेंगे तो ये आपको रफ ब्लैक में यहाँ पे आपको बंपर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इसमें 2 points में पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। रिफ्लेक्टर वाला पोर्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं। टेल लैंप्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे गाड़ी में आपको हैलोजन में टेल लैंप्स देखने के लिए मिल जाते हैं, ये आपकी ब्रेक लाइट आ जाती है, ये आपके इंडिकेटर आ जाते हैं, ये आपकी रिवर्स लाइट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बूट को करते हैं ओपन की, भाई बूट देख लेते हैं बूट के अंदर क्या स्पेस आपको मिलता है। चलिए तो ये देखिए बूट हुआ ओपन, तो यहाँ पे आपको जो बूट देखेंगे काफी अच्छा खासा बूट स्पेस भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जा रहा है, यानी एक्सयूवी 300 के बराबर बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। भाई 240 लीटर का बूट स्पेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है गाड़ी में, गहराई भी अच्छी खासी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको बूट लैंप देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे इसकी टूल किट वगैरह मिल जाती है, यहाँ पे आपको फर्स्ट एड किट या आपकी सर्विस मैनुअल वगैरह। स्टेपनी की बात करेंगे तो यहाँ पे वो आपको अंदर से कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। जो सीट्स आती है पीछे की वो आपको पूरी बेंच फोल्ड यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, इन्हें आप फोल्ड भी कर सकते हैं कुछ,
इस तरीके से, ये देखिए। तो अगर आपको ज्यादा सामान लेके जाना है तो आप इस तरीके से गाड़ी की सीट्स को पीछे से फोल्ड कर सकते हैं और काफी बड़ा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है गाड़ी में। चलिए इसको फिर से खींच लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं, बूट को भी करते हैं बंद। भाई अब चलते हैं को ड्राइवर साइड में, देखते हैं को ड्राइवर साइड से क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो भाई को ड्राइवर साइड में आपको सेम वही चीजें मिलती हैं जो आपने ड्राइवर साइड से देखी थी, लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज मिल जाती है, यहाँ पे आपको मिलता है फ्यूल टैंक का ऑप्शन। यहाँ पे अगर फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करेंगे तो आपको 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है। तो भाई ओवरऑल एक्सटीरियर तो हुआ कवर गाड़ी का, चलते हैं गाड़ी के अंदर, देख लेते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। चलिए चलते हैं दरवाजे की साइड, तो यहाँ पे दरवाजे को करते हैं अनलॉक। तो भाई जो डोर पैनल आप देखते हैं गाड़ी का, वो पूरा ब्लैक में आपको डोर पैनल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का। डोर हैंडल भी आपको यहाँ पे ब्लैक में ही देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो स्पीकर्स की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी में। यहाँ पे आपको 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस, यहाँ पे आपको मैगजीन पॉकेट वगैरह देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे आपको स्टिक मिल जाती है ओआरवीएम को एडजस्ट करने के लिए। इंटीरियर देखेंगे तो आपको गाड़ी का इंटीरियर कुछ इस तरीके से मिलता है, पूरा ब्लैक फिनिश इंटीरियर मिलता है, कोई भी आपको सार्डन फिनिशिंग का वर्क भी यहाँ आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। पूरी डार्क थीम में यह गाड़ी आपको देखने के लिए मिलती है। भाई सीट्स में अगर बात करेंगे, यहाँ पे आपको केवल ओनली एडजस्टेबल तो मिलता है, लेकिन ये रिक्लाइनिंग एडजस्टेबल यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सीट हाइट एडजस्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फैब्रिक में सीट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। कुशनिंग इसकी थोड़ी सी हार्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। हाँ, अगर आपको इसका फ्यूल टैंक का कैप ओपन करना है तो यहाँ से करेंगे, बूट ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे इसका हेडलैम्प लेवलिंग का ऑप्शन आ जाता है, और यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो ये चोर पॉकेट मिलती है भाई यहाँ पे भी आपको। चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के देखते हैं कि भाई कैसा फील होता है। ओहो, दरवाजा करते हैं बंद। भाई गाड़ी के अंदर बैठा हूँ ना यार, मैं क्या बताऊँ आपको, काफी सारी चीजें यहाँ पे आपको फील ऐसा हो रहा है कि ऊंचा ऊंचा फील हो रहा है पूरा। देखिए, अगर ये मेरी आई का व्यू है, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो मुझे गाड़ी का हुड भी अच्छे से यहाँ पे नजर आता है, यानी इसलिए इसको माइक्रो एसयूवी भी कहा जाता है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे तो स्टेयरिंग व्हील, भाई आपको राउंड में स्टेयरिंग व्हील देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी का, ये देखिए कुछ इस तरीके से। और गाड़ी में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एडल स्टार्ट स्टॉप का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके वाइपर के कंट्रोल्स, राइट हैंड साइड में आपको इसके हेडलैम्प और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। भाई बात करेंगे भाई यहाँ पे क्लस्टर कहाँ है, क्लस्टर है इसका यहाँ पे भाई। ये सेंटर कंसोल आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है, ये देखिए। क्लस्टर को ऑन करके देखते हैं भाई कैसा फील होता है। तो चलिए चाबी लगाते हैं। तो भाई जब क्लस्टर ऑन होता है तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे फील होता है, पूरा डिजिटल क्लस्टर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। आप सेंटर में आपको मिल जाता है, थोड़ा सा स्पोर्टियर वाली फील भी यहाँ पे आपको कराता है। लेफ्ट एंड राइट साइड में देखेंगे तो आपको एसी वेंट्स देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी के। फिर यहाँ देखेंगे तो आपको नीचे म्यूजिक सिस्टम का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है 1D में, जिसमें आपको पेन ड्राइव और ऑक्स केबल का भी इनपुट देखने के लिए मिल जाता है, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट के पावर विंडो के स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको हैजर्ड लैंप का बटन देखने के लिए मिल जाएगा, उससे नीचे आपको एसी के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। मैनुअल में एसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का अडैप्टर सॉकेट मिल जाएगा, और यहाँ पे एक हल्का सा स्पेस मिल जाता है जिसमें आप वॉलेट वगैरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कप होल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। 5 स्पीड ट्रांसमिशन में गियर नॉब आपको देखने के लिए मिल जाता है, पूरा सिंपल सा गियर नॉब यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक की प्लेसिंग आ जाएगी। इधर आपको एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपना फोन वगैरह कोई स्टफ वगैरह यहाँ पे आप कैरी कर सकते हैं इजी वे में। ये काफी थोड़ा सा अच्छा लगता है यहाँ पे। उसी के नीचे आपको यहाँ पे ग्लोब बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स भाई माइक्रो है, तो माइक्रो ही ग्लोब बॉक्स भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। बात करेंगे IRM की, तो मैनुअली एडजस्टेबल IRM भी यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। फिक्स्ड IRM यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप का ऑप्शन आ जाता है हैलोजन में। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने के लिए नहीं मिलता है। को ड्राइवर साइड आपको कोई वैनिटी मिरर का ऑप्शन भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बात करते हैं हेडरूम स्पेस की, तो भाई इस SUV गाड़ी में, यानी माइक्रो SUV गाड़ी में ना, आपको हेडरूम स्पेस लाजवाब मिलता है भाई। मतलब यार इतनी छोटी गाड़ी है, एक SUV फील भी दे रही है, और हेडरूम स्पेस भी आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऊंचा ऊंचा फील जरूर आपको गाड़ी कराती है, जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो आपको खुद भी फील होगा। बाकी बात करेंगे सिटिंग की, तो सिटिंग पोर्शन आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं प्राइस रेंज के हिसाब से। भाई इस प्राइस रेंज में और क्या चाहते हैं। तो भाई ये तो था कुछ इसका फ्रंट का, अब बात कर लेते हैं इसके रियर सीट्स की, देख लेते हैं रियर सीट्स में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं पीछे की तरफ। तो भाई जैसे हम पीछे का दरवाजा खोलते हैं तो भाई वो भी आपको सेम एज इट इज, जैसा आपका फ्रंट डोर देखने के लिए मिला था वैसे ही यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप बात करेंगे इसमें आपको पूरा ब्लैकआउट में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो डोर हैंडल भी ब्लैक में मिलता है। यहाँ पे पीछे से कोई भी स्पीकर्स की प्लेसिंग आपको नहीं मिलती, इस गाड़ी में आपको 2 स्पीकर्स ही देखने के लिए मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आप देखिए बॉडी बनाने के लिए आपको मिल जाते हैं यहाँ पे विंडो, पावर विंडो ऐसा कहेंगे कि इसमें आपको हाथ की पावर लग रही है भाई। पावर विंडो तो है ही भाई, हाथ की पावर तो लगी रही है ना। तो भाई इंटीरियर देखिए रियर का आपको कुछ देखने के लिए इस तरीके से मिलता है। चलिए बैठ के देखते हैं बैठ के कैसा फील होता है। चलिए चलते हैं अंदर। ओहो बैठ गया मैं, गाड़ी का दरवाजा करते हैं बंद।
भाई ये जो आगे की सीट है ना, मैंने पूरी पीछे करी थी, फिर भी देखो मुझे लेग रूम स्पेस, नी रूम स्पेस जबरदस्त मिल रहा है। थाई सपोर्ट की आपको थोड़ी सी कमी यहाँ पे जरूर फील होगी। बात करेंगे सेंटर में, आपको कोई भी रीडिंग लैंप का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। जो फ्रंट के हेडरेस्ट आते हैं वो आपको दोनों फिक्स्ड मिलते हैं। ड्राइवर सीट के पीछे कोई मैगजीन पॉकेट नहीं मिलती है। को ड्राइवर सीट के पीछे भी आपको कोई मैगजीन पॉकेट देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे आपको एक 1 लीटर का बॉटल होल्डर स्पेस देखने के लिए मिल जाएगा। रियर के जो हेडरेस्ट आते हैं वो फिक्स्ड हेडरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। कोई आर्मरेस्ट की प्लेसिंग यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। बात करेंगे हेडरूम स्पेस की, तो भाई हेडरूम स्पेस आपको देखने के लिए कुछ इस तरीके से मिलता है। अच्छा खासा हेडरूम स्पेस पीछे भी आपको देखने के लिए मिल जा रहा है। बैठने में भी ठीक ठाक कंफर्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। भाई ये तो था कुछ इसका पीछे का, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वे में, जान लेते हैं इंजन में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए चलते हैं इंजन की तरफ। वो चाबी कर लेते हैं ऑफ। तो भाई अब मैं आ चुका हूँ इसके इंजन सेक्शन में। अगर इंजन की बात करेंगे यहाँ पे आपको 1 लीटर में 3 सिलेंडर K10 सीरीज का BS6 फेज 2 इंजन देखने के लिए मिल जाता है। भाई इंजन की पावर की बात करें तो 66 BHP की पावर आपको देखने के लिए मिलती है। और अगर भाई टॉर्क की बात करें तो 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये गाड़ी आपको निकाल के देती है। इस पावर परफॉर्मेंस के साथ ये गाड़ी जो आपको माइलेज देती है वो आपको 25.23 KMPL का माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है। काफी अच्छा खासा माइलेज यहाँ पे आपको मिलता है गाड़ी में। अब बात करेंगे ब्रेकिंग की, तो यहाँ पे आपको ABS EBD देखने के लिए मिल जाती है। और बात करेंगे इसके वारंटी की, तो यहाँ पे आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी गाड़ी में देखने के लिए मिलती है। तो भाई ये तो था कुछ इसका इंजन, अब कर लेते हैं फाइनल वॉक अराउंड। तो दोस्तों हमने बात करी इस माइक्रो SUV गाड़ी के बारे में। देखने में फील इसका SUV वाला ही आता है। ये देखिए, मतलब अंदर से जब आप सीट में भी बैठेंगे तो आपको ऐसा फील जरूर होगा कि भाई आप किसी ऊंची ऊंची गाड़ी में बैठे हैं। ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी छोटी गाड़ी में बैठे हैं। जो लोग SUV का शौक रखते हैं, SUV खरीदना चाहते हैं और वो बजट के कारण SUV गाड़ी नहीं खरीद सकते, तो एक बार वो इस गाड़ी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। इस गाड़ी को देख के आपको जरूर फील पूरा SUV वाला होगा। बाकी मारुति का प्रोडक्ट है तो ट्रस्टवर्थी प्रोडक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंजन की रिलायबिलिटी आपको मिल जाती है। माइलेज में कोई दिक्कत नहीं भाई, SUV गाड़ी में इतना अच्छा खासा माइलेज मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलता है। तो ये गाड़ी कैसी लगी दोस्तों, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो मेरे चैनल में न्यू व्यूअर्स हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि उनको ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं हमसे कोई नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।